हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम या कहिए संख्या पद्धति टॉपिक पढ़ाऊंगी। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को दी हुई सीरीज या श्रेणी का सम निकालना, योग निकालना सिखाऊंगी। इसमें मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगी। सबसे पहले पदों की संख्या निकालना, सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना कितने हैं वह सिखाऊंगी। साथ में मैं सीरीज में जो नंबर है उनका योग या सम निकालना सिखाऊंगी। दो फॉर्मूले यूज होंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे आइए आज हम सीखते हैं। सबसे पहले ये सीरीज दे रखी है, इनमें क्या पता करना होता है? हमें पता करना होता है n। n का मतलब पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू लास्ट टर्म, सीरीज का लास्ट टर्म है 75, लिख दिया। माइनस है, माइनस लगाया। फर्स्ट टर्म, पहला टर्म 21 है, प्लस 1 तो 1 लिखा। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस हमेशा आपको बाद वाले टर्म्स में से उसके पिछले वाले टर्म्स, बाद वाले टर्म से जस्ट उसके पिछले वाले टर्म्स को घटा के निकाला जाता है। कहने का मतलब 22 में से यदि आप 21 को घटाते हो तो 1 मिलेगा। कॉमन डिफरेंस 1 है। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो तो कर देते हैं। तो n आएगा, इनको घटाओगे, 54 प्लस 1 मतलब 55, आपको n मिला 55। अब सम पता करना है तो s इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है आपका 75, फर्स्ट टर्म है 21 अपॉन 2, n आपने निकाला है 55, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 96 अपॉन 2 इंटू 55। कैंसल कर देते हैं 2 के टेबल से, 48 आएगा। अब 48 इंटू 55 करोगे, 2640 आपकी दी हुई श्रेणी या सीरीज का सम है। इस क्वेश्चन में भी आपको सीरीज का सम निकालना है। सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालेंगे। तो निकालते हैं लास्ट टर्म मतलब 80, फर्स्ट टर्म मतलब 28, कॉमन डिफरेंस का मतलब सीरीज में जो टर्म्स है बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को घटा दो, जस्ट पहले वाला टर्म्स, तो 30 में से 28 को घटाओगे, कॉमन डिफरेंस मिला 2। कॉमन डिफरेंस लिख लिया और साथ में क्या है, प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2 और 52 हो गया कुल मिला के अपॉन 2 प्लस 1। कैंसल करोगे, 26 प्लस 1 मतलब 27 आई पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स। अब तो हमें सम चाहिए, लास्ट टर्म मतलब 80, फर्स्ट टर्म मतलब 28 और अपॉन 2 इंटू एन, एन का मतलब 27, इन दोनों को जोड़ोगे, 108 अपॉन 2 इंटू 27। कैंसिल कर देते हैं, 54 आया। 54 इंटू 27 करोगे, 1458 आपकी सीरीज का सम है। आपसे कहा है कि फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5, 5 के आपको 10 गुणज लेने हैं और वो जो सीरीज बनेगी उसका हमें सम पता करना है। तो क्या होगा, 5 के मल्टीपल लेकिन कितने, 10, तो 5 10 15 इस तरह से, लास्ट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, लास्ट पता चल जाएगा। 5 में 10 का मल्टीप्लाई 50, 50 आपका लास्ट टर्म है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो आपको n निकालने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बता देता है कि n क्या है। कैसे,
आपको फर्स्ट 10 मल्टीपल बोले हैं, 10 मल्टीपल बोले हैं, मतलब सीरीज में टर्म्स कितने हैं, 10 हैं, एन आपको 10 पता है, इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं, सीधे सम निकाल देते हैं। तो सम का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म मतलब आपका देखिए 5 है, फर्स्ट टर्म मैंने ये पहले लिख लिया 5, लास्ट टर्म लिख लो, लास्ट टर्म कितना है आपका 50। फर्स्ट टर्म बेटा ये है आपका 5, प्लस की जगह प्लस, लास्ट टर्म 50, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन 2 इंटू एन, एन का मतलब 10। अब ये बच्चों हो गया 55 अपॉन 2 इंटू 10, 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 55 इंटू 5 275 आपकी सीरीज का सॉल्यूशन है। आपको इस क्वेश्चन में 12 मल्टीपल बोले हैं, लेकिन किसके, 3 के, 3 के गुणज बोले हैं 12, और उनसे जो सीरीज बनी उसका हमें सम पता करना है। तो 3 क्या टेबल लिख लो, या 3 के 3, अगला 6, अगला 9, और लास्ट क्या होगा, कैसे पता करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो 3 इंटू 12 करोगे 36 होगा। हमें n नहीं पता करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको n 12 दे रखा है, तो n तो आपका 12 हो गया। अब सम निकाल देते हैं, लास्ट टर्म मतलब 36, फर्स्ट टर्म मतलब 3 अपॉन 2 n का मतलब 12, ये हो जाएगा आपका 39 अपॉन 2 इंटू 12, 2 के टेबल से कैंसिल करा। अब 39 इंटू 6 करेंगे, 234 आपका सॉल्यूशन है, या कहिए इस सीरीज का सम है। अब हम बच्चों स्टोरी प्रॉब्लम के क्वेश्चन का सम निकालना सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका स्टोरी प्रॉब्लम का, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल, किसके, 3 के, 3 के सारे पॉजिटिव मल्टीपल जो 50 से छोटे हों, तो क्या होंगे, 3, 6, 9 और लास्ट हो जाएगा 48। ये 3 के मल्टीपल भी हैं और 50 से छोटे भी हैं, लेस देन 50 हैं। अब इसका आपको सम पूछा है, तो n निकालो, लास्ट टर्म मतलब 48, फर्स्ट टर्म मतलब 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, बाद वाले टर्म्स में से उसके जस्ट पहला वाला टर्म्स घटा दो, तो 6 में से 3 घटाओगे, 3 आया, कॉमन डिफरेंस 3 है, लिख दिया, और प्लस 1 घटाओगे 45 अपॉन 3 प्लस 1, कैंसिल करोगे 15 प्लस 1 16, एन आपका 16 है, पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज 16 है। अब सम निकालते हैं, लास्ट टर्म मतलब 48, फर्स्ट टर्म मतलब 3 अपॉन 2 इंटू एन का मतलब 16। बच्चों इन दोनों को जोड़ोगे 51 इंटू 16 अपॉन 2, 2 के टेबल से कैंसिल करा, 8 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 408। आपको इस क्वेश्चन में इवन नंबर, लेकिन किसके बीच में, 21 और 51 के बीच में बोले हैं, कहने का मतलब सम संख्याएं पूछी हैं जो किसके बीच में आना चाहिए, 21 और 51 के बीच में आना चाहिए। तो वो नंबर होते क्या हैं, 21 और 51 के बीच में 22, 24, 26, लास्ट आएगा 5050। ये इवन नंबर है जो इन दोनों नंबर के बीच में है। अब हमें n निकालना है, पदों की संख्या या सीरीज के टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। लास्ट टर्म मतलब 50,
फर्स्ट टर्म मतलब 22 कॉमन डिफरेंस चाहिए बाद वाले टर्म्स में से, उसके जस्ट पहला वाला टर्म्स घटा दो, तो 24 में से 22 घटाया 2 और प्लस 1 घटाओगे 28 अपॉन 2 प्लस 1 कैंसल करोगे 14, आपको n मिला 14 प्लस 1 15। अब सम निकाल देते हैं, लास्ट टर्म मतलब 50 प्लस फर्स्ट टर्म मतलब 22 अपॉन 2 इंटू n का मतलब 15, जोड़ देते हैं इनको, 72 अपॉन 2 इंटू 15, कैंसिल कर दे 2 के टेबल से, 36 आएगा। अब 36 इंटू 15 करोगे, 540, आपकी जो सीरीज है उनमें जो पद है उनका योग है। आपसे इस क्वेश्चन में कहा है कि आप सम बताइए, लेकिन किसका, डिजिट के स्क्वायर का, इतना समझ में आया आपको, अंकों का वर्ग करना है और उसका फिर योग निकालना है। क्या बोला उन्होंने, लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन टू डिजिट, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, लेकिन कौन सी, प्राइम नंबर वाली, तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर किसके लिए, टू डिजिट के लिए, वो होता है 97। ये पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये जो मिला है आपको उन अंकों का, उन डिजिट का क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर क्या करना है, जोड़ना है, और वो जो सम है वही आपसे पूछा है। इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, आपकी लार्जेस्ट प्राइम नंबर 97 है टू डिजिट का, ठीक है। इन अंकों का आपको कहा है स्क्वायर करो, वर्ग करो, तो 9 का वर्ग 7 का वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, फिर क्या करो, सम करो, तो जोड़ दिया, यही आपसे पूछा है। तो क्या हुआ बेटा, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ोगे 130, आपका सॉल्यूशन है। आपको इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर पूछे हैं किसके, 20 और 60 के बीच में जो नंबर है प्राइम वो पूछे हैं, फिर उनका पूछा है सम। तो 20 और 60 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं वो देख लेते हैं, 23, 29, 31, 37, ये चार हो गए। आगे चलते हैं, 41, 43, 47, 53, 59, ठीक है, हो गए। कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्राइम नंबर होते हैं 20 और 60 के बीच में। अब क्या, अब आपको ध्यान देना है कि जो दे रखा है इसमें कोई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है बेटा। आप 29 में से 23 को घटाओगे 6 आया, 31 में से आप 29 को घटाओगे कुछ और आ रहा है, फिर 37 में से 31 को घटा रहे हो तो 6 आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ देखिए, 43 में से 41 को घटाओगे तो 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आपको जो सीरीज मिली उसमें सेम नहीं है, फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो क्या करें, हमसे पूछा तो सम है, तो बच्चों बस सबको जोड़ दो, तो सम आ गया 23, 29 प्लस लगाते जाओ 31, 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 59। अब हमें सबको जोड़ना है, 320, आपको ये जो नंबर से बनी हुई सीरीज है या श्रेणी है उसका सम या योग है।